जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे चैनल जिसके भी उड़िया टेक को स्वागत है। आज आप एक प्रसिद्ध मंदिर जाएंगे और आपको इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, आप चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर है। ये मंदिर वृंदावन में है। ये मंदिर सबसे बहुत अच्छा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। आप वृंदावन जब जाइएगा जरूर ये पागल मंदिर बाबा का दर्शन, पागल बाबा का दर्शन करें। अभी हम अंदर जा रहे हैं। एक्चुअली पागल मंदिर पागल बाबा मंदिर क्यों है, इसके पीछे क्या इतिहास है। ये मंदिर वृंदावन की सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है। 221 फीट ऊंचा 9 मंजिलों वाला ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1969 में हुआ था और इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 1981 में हुई थी, जहां मां काली के परम उपासक संत श्री लीलानंद ठाकुर जी रहा करते थे। वे मां काली की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें पागल बाबा कहा जाना लगता है। तभी से राधा कृष्ण जी की इस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोगों अपनी मनोकामना को मंदिर की दीवार पर लिख जाते हैं। मंदिर अंदर का शायद कहीं कौन बचा होगा जहाँ कहीं मनोकामना नहीं लिखा होगा। आइए आगे चलते हैं, आपको मंदिर दर्शन कराते हैं। मंदिर 9 मंजिला है। आप पहले मंजिल में मंदिर के तरफ हम घुसते हैं, देख ही रहे हैं। ये मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, अपना मनोकामना लिख के चले जाते हैं, उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। ये देख रहे हैं, ये पहला मंजिल से आप देख सकते हैं। मंदिर के साइड में बाबा का समाधि है। बाबा यही शरीर छोड़े थे। बाबा का नाम पे बहुत सारे मान्यता है। बाबा एक जज थे। जज के टाइम पे गरीब ब्राह्मण रूप लेके बांकी बिहार जी गवाह देने के लिए आए थे, तभी से बाबा ने नौकरी छोड़ दी। एक्चुअली बाबा पश्चिम बंगाल में रहने वाले थे, तभी से वो माता जी के भक्त में लीन हो गए थे। तो 1969 में आ गए थे वृंदावन और वहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किए। 1981 में बाबा ने काली की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा। मंदिर में प्रवेश करते ही माँ भगवती का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने कुंड बना हुआ है जिसे सुदेवी कुंड कहा जाता है। बाबा के पत्नी के नाम पे सुदेवी थी। इसी कुंड के बगल में शिव परिवार का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के ध्यान से देखने पर सभी धर्मों को धार्मिक इमारत की झलक इस मंदिर में दिखाई देती है। 9 मंजिलों वाले इस मंदिर को हर एक मंजिल पर एक मंदिर है कि प्रथम मंजिल जिसमें श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर स्थापित है। चलिए आगे आपको मंदिर का पूरा दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का जो है सीढ़ी है, इसी सीढ़ी में हम ऊपर चलते हैं। आगे चलिए हमारे साथ में मंदिर चलते हैं। ये पहला मंजिल है, ये राधा गोविंद का मंदिर है। यहाँ पे राधा कृष्ण का प्रतिमूर्ति स्थापित है, देख रहे हैं। ये राधा कृष्ण जी का प्रतिमूर्ति है। इसी के पास में छोटी सी मंदिर में श्री लीलानंद जी ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति स्थापित है, जिसको पागल नामा पागल बाबा कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये मंदिर का दूसरी मंजिल, चलते हैं आगे। ये मंदिर दूसरी मंजिल क्या है आपको बताऊं। ये मंजिल में श्री कृष्ण बलराम का मंदिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी का प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलते हैं तीसरी मंजिल। हम आगे चलते हैं तीसरे मंजिल के तरफ। ये मंजिल में नंद यशोदा मंदिर है। इसी मंजिल में माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण जी को गोद में लेके रखे हैं और यहाँ पे माता यशोदा का दर्शन होते हैं। और बाजू में माता यशोदा ने अपने कृष्ण जी को गोद में लेके रखे हैं और बगल में नंद जी यहाँ पे है। आगे चलते हैं आप दूसरी मंजिल की तरफ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ मंदिर कितने सुंदर दिख रहा, आगे भी नज़ारा बहुत अच्छा। यहाँ से वृंदावन पूरा शहर दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं। यहाँ पे भक्त सब आए हैं अपना
मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम मंदिर चले राम दरबार मंदिर, ये मंदिर में आप देख रहे हैं राम सीता और लखन, माता सीता जी के साथ राम लखन सीता और हनुमान जी की यहाँ पे पूजा होते हैं। ये अगले मंजिल है, ये मंजिल हम आगे चलते हैं। ये जो मंजिल है ये आप देख रहे हैं, ये बामन दरबार का मंदिर है। यहाँ पे बामन अवतार में ये पूजा पाते हैं। आप घर बैठे हैं आनंद लेते रहिए। इसके बाद भगवान ने अपने पैर में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिए थे। तो आप देख रहे हैं ये मंजिल से आप पूरा देख सकते हैं वृंदावन को, शहर पूरा आप देख सकते हैं। आगे आपको ले चलते हैं ये मंदिर। ये अभी हमको आठवीं मंजिल आपको ले कर चलते हैं जिसमें हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थापित है। आगे देखिए, यहाँ से मंदिर का भव्य दृश्य इसी प्रकार के दिखाई जाता है, बहुत सुंदर दिखता है पूरा वृंदावन। ये नवीं मंजिल है, ये श्री भगवान ओम मंदिर यहाँ पे स्थापित है, ये देख पा रहे हैं। सबसे ऊपरी भाग है नवीं मंजिल से आप भव्य मंदिर का पूरा नजारा प्रांगण में देख रहे हैं। ये पूरी वृंदावन शहर की पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। मंदिर के सामने एक अखंड ज्योति है, हमेशा ये ज्योति जलती रहती है, आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपरी मंजिल है जिसको बोलते हैं नवी मंजिल है। नवी मंजिल से पूरी वृंदावन की शहर दिखाई देता है। यहाँ से आप पूरा वृंदावन शहर का दृश्य देख सकते हैं। ये मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है। मित्रों, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रामलीला का दर्शन कराई जाती है। आप अंदर चलिए देखते हैं, यहाँ पे कृष्ण लीला का दर्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारे झांकियाँ हैं, देवा देवी प्रतिमूर्ति का झांकियाँ हैं। यहाँ पे सारे जैसे देख रहे हैं मक्खमपुर लीला दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सारे झांकियाँ का बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बाबा पागल बाबा है, उनके हाथ में लाल का पड़का ये है, यही इनको आशीर्वाद करो से मिला था, जिसके वजह से यहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे मंदिर बनाए। उसके बाद यहीं मंदिर बनाने के बाद यहीं पे उनका प्राण छोड़े, यहाँ पे उनका समाधि हुआ। ये देख पा रहे हैं ये एक झांकिया है, यहाँ पे राम ने रावण को मारा दशानन को, यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे देखिए। और आप लाइक और शेयर करने के लिए न भूलिए, आप इतने मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपका एक लाइक और एक शेयर में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं वृंदावन यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्ण। यहाँ पे जो भी आते हैं वो दर्शन कराते हैं। ये माता सुदेवी कुंड है, ये सबसे अच्छा मंदिर है। यहाँ अभी हम दर्शन कर लिए, अभी हम मंदिर से बाहर तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर का नीचे को आने का स्टेयर केस है, ये रास्ता है यहीं से। ये बहुत अच्छा था पागल बाबा मंदिर का दर्शन है।